You have barely 10 to 12 days left for your JMS exam. And right now, most of the students' marks is stuck between 70 to 100. And after release of the city intimation, कितने सारे बच्चे जो panic situation में हैं. और इसी panic के चक्कर में ऐसे ऐसे कितने सारे गलतियां जो बच्चे भी कर देते हैं, जिसके कारण जो तुम्हारा marks exam के अंदर 150 touch कर सकता था, exam में जाकर के तुम्हारा ना marks 70, 80, 90 के बीच में रुक जाता है. So in this video, I'll tell you how you can utilize these 10 days in 3 phases. उसके साथ साथ मैं तुम्हें ये बताऊंगा, अगर इस टाइम पर तुम्हें कोई high weighted chapter करना है तो तुम्हें वो करना चाहिए कि नहीं. Physics, chemistry, mathematics में important chapters, highly important chapters, उस chapter में कौन-कौन से topics आ रहे हैं जो 5 साल में repeatedly उस topic पर questions आ रहे हैं, तुम्हें वो सब PDF भी share करूंगा. उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से तुम्हें question को practice करना है और तुम्हें कितने test देने, अगर तुमने अभी तक test नहीं दिया हुआ है. हर चीज के बारे में तुम्हें बात करने जा रहा हूं और मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम तीसरे फेज को अगर मिस कर दिए ना, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ना तीसरे फेज में आकर इतना ब्लंडर करते हैं ना जिससे उनका एग्जाम पूरा बर्बाद हो जाता है. सो भूल के भी तीसरे स्टेप को मत मिस करना. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तुम लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और तुम्हारा ड्रीम कॉलेज और परसेंटेज लिखना मत भूलना यार. इससे पता होगा कुछ नहीं, बस एक तुम्हारा एम सेट हो जाता है. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिव, आई एम इन बीटेक सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम NIT कर्नाटका. तो मैं तुम लोग को अभी बोल देता हूं, मैं वीडियो में थोड़ा हार्श हो सकता हूं, ब्रूटल हो सकता हूं, तो दिल पर मत लेना. लेकिन देखो तुम्हें समझना पड़ेगा, अभी बहुत कम दिन बचा हुआ है. अगर तुम अभी भी रास्ते पर नहीं आए तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई. बुरा लग रहा होगा तो माफ करना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सबसे पहला स्टेप की तरफ चलते हैं, सिलेबस. सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं, इस टाइम पर आकर के ना तुम्हें कोई भी एक नया चैप्टर नहीं उठाना है. मतलब नहीं उठाना है. देखो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, आखिर के ना पहले 2-3 साल तो दबा के पढ़ते हैं, लेकिन आखिर के टाइम पर ना हर चीज को समेट नहीं पाते, अच्छे समेट नहीं पाते, जिसके कारण एग्जाम में जाकर उनका पूरा एग्जाम बर्बाद हो जाता है. मैं खुद एग्जाम्पल देखा हूं. लेकिन मैं तुम्हें उससे सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, मैं तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद टॉपिक्स मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं. यहां पर आ रहा होगा, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और टॉपिक्स का है ना मैं डाल दे रहा हूं, तुम दोनों का स्क्रीनशॉट लेना. मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया, तुम वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो. इसके अंदर मैं तुम्हें हर चीज डिटेल में डाल चुका हूं, किस चैप्टर से ना कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं जो 5 साल में रिपीटेडली उस टॉपिक पर बार बार पूछे गए क्वेश्चंस, वो सब तुम्हें डाल चुका हूं, तुम वहां से जाकर कवर करो. लेकिन अगर तुमने फिजिक्स के अंदर मैं तुम्हें 14 चैप्टर दिया हूं, उस 14 में से अगर तुमने ना 2-3 ही अगर तुमने छोड़ा हुआ है, बाकी सारा तुमने पढ़ा हुआ है, सेम गोज विद केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 बस चैप्टर छोड़ा हुआ उस लिस्ट में से, तो वो लिस्ट को तुम ना इस 6 दिन के अंदर कवर कर सकते हो. कैसे करना है तुम्हें बोल रहा हूं, सुबह सुबह उठते ही स्टार्टिंग के ना 4 से 5 घंटे में वो चैप्टर के जाना, वन शॉट जो छोटे होंगे वन शॉट, फिजिक्स के लिए एड्यूनिटी चैनल पर चले जाना, सर ने रिवाइज करवाया हुआ है, 25 से 30 मिनट में सर ने रिवाइज करवा दिया है. फॉर मैथमेटिक्स वोरा क्लासेस पर चले जाना, जेई ब्रीफ में ना सर ने 2-3 घंटे में रिवाइज करवा दिया हुआ है. और केमिस्ट्री तुम जा सकते हो जे वाले चैनल पर, वहां पर ना 4-5 घंटे में तुम लेक्चर्स मिल जाएंगे. वहां से जो चैप्टर्स अगर तुमने छोड़े हुए तो उस चैप्टर को करना है. लेकिन अगर तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर छूटे हुए हैं तो तुम्हें कोई भी चैप्टर है ना इस टाइम पर आके तुम्हें नहीं करना है, बस तुम्हें क्या फोकस करना है, सारी चीज को अच्छे से समझना, सारी चीज को अच्छे से बैठ कर रिवाइज करना. और इस 6 दिन में तुम्हें 3 टेस्ट देने ही देने. अगर तुम इस टाइम पर आकर तुमने अभी तक मार्क्स नहीं दिया हुआ है तो भाई तुम लिटरली तुम जीरो पर अगर तुम ये सोच रहे हो ना मैं एग्जाम में जाकर के मेरा नंबर बन जाएगा, मैं सारी चीज में सारा पढ़ा हुआ, सारा PYQs लगा लिया, हर एक चीज कर लिया, अगर तुम इस भ्रम में हो ना तुम्हारे एग्जाम में जाकर लिटरली तुम क्वेश्चंस बना ही नहीं पाओगे. एग्जाम में पता ये मैटर नहीं करता तुम कितना प्रैक्टिस कर चुके हो पहले, तुम कितना है ना ये सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, मैटर ये करता है कि तुम एग्जाम का टेम्परमेंट सीखे हो कि नहीं, टेस्ट को कैसे देना है हर एक का. मैं तुम्हें ना एक अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, कितने सारे बच्चे ना उस वीडियो को देखकर सारे सारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिख चुके हैं, भैया मेरा मार्क्स यहां से इतना इंप्रूव हो गया, इतना इंप्रूव हो गया, बिलीव नहीं कर रहे तो तुम जाके उस वीडियो पर देख सकते. बट यार नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले तुमने एक बार शांति से बैठकर कभी सोचा है इसके बाद में क्या करूंगा, स्टूडेंट सिक्योरिंग 95, 96, 97% और बहुत सारे बच्चे जो अलग अलग 19 डिफरेंट स्टेट से हैं वो ना एक फेमस टेक स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं. Isn't it crazy? This is Vedam School of Technology, जहां AI first curriculum है और कोडिंग डे 1 से सिखाई जाती है. It's a 4-year CS and AI BTech program, जहां पर डिग्रीज अवार्डेड बाय अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे विद 100-acre लश ग्रीन कैंपस विद एकेडमिक्स प्लस नॉन एकेडमिक्स विच बिल्ड सॉलिड एक्सपोजर. स्टूडेंट्स एक्चुअली बिल्ड साइन लैंग्वेज टू वॉइस कन्वर्टर्स, फुल स्टैक डेवलप्ड प्लेटफॉर्म्स एंड इवन लिंक्डइन लेवल एप्लीकेशंस. यहां के फुल टाइम इंस्ट्रक्टर सुबेश कुमार इज अ 5-star कोडर एज वेल एज एक्स गूगल सॉफ्टवेयर डेवलपर. ही हैज ट्रेन मोर देन 5000 प्लस स्टूडेंट्स. ही हैज पर्सनली डिजाइंड विदम्स AI first प्रोजेक्ट सेंट्रिक करिकुलम फॉर द जॉब्स ऑफ 2030 एंड इवन बियॉन्ड. और तो तुम्हें यहाँ पर 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम मिलती है फ्रॉम प्रोफेशनल्स एप्पल, गूगल, मॉर्गन स्टैनली एंड इवन वॉटन. और तो अगर तुम्हारे पास कोई भी स्टार्टअप आइडिया है तो ये स्कूल तुम्हें 1 crore तक की सीड फंडिंग प्रोवाइड करती है. और 5th semester में मैंडेटरी 6 month पेड इंटर्नशिप. एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो ऑलरेडी पेड इंटर्नशिप क्रैक कर ली है वर्ल्ड बिल्डिंग इज ओन स्टार्टअप. तो एडमिशन फॉर 2026 यहाँ पर खुल चुकी है, तो इसलिए तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा VSAT. और टेस्ट में अगर तुमने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो यहाँ पर तुम्हें 100% तक की तुम्हें स्कॉलरशिप फ्री में मिल सकती है. एग्जाम डेट है ना 16 January को है और है ना लास्ट डेट टू अप्लाई 15 January. इसके बारे में सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में जाके दे चुका हूं, तो वहां से एक बार जाकर तुम इससे जरूर चेकआउट करना. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, फेज 2 टेस्ट. मैं तुम लोगों को बोलता हूं टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, हर चीज मैं तुम्हें समझा दिया हूं. अब तुम लोगों को क्या करना है, इस 6 दिन के बाद तुम्हें क्या करना है, नेक्स्ट जो 3 दिन है तीनों दिन लगातार बैठ के मार्क्स देना है. आज कल परसों लगातार बैठ के तुम्हें ना 9 से 12 फिर 2 से 5 फिर 9 से 12 एग्जैक्ट टाइमिंग में तुम्हें मार्क्स देना है. मार्क्स देने पर प्रॉपर एनालिसिस करना है कैसे क्या गलती हुआ है, कैसे एनालाइज करना है, उसको वीडियो अलग से बना चुका हूं मैं, एक्सप्लेन करके वीडियो को बढ़ा नहीं करूंगा, तुम जाके वीडियो देख लेना. और मैं स्टेप 1 के अंदर एक चीज बोलना भूल गया था, जब तुम रिवाइज कर रहे हो
होंगे ना, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास स्मार्ट क्वेश्चंस होंगे। मैं 15 दिन पहले मैं एक वीडियो बना हुआ था 150 प्लस मार्क्स इन 25 डेज, मैं उसमें तुम लोगों को क्लियरली बोला हुआ था प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो तुमने गलती किया हुआ है, चैप्टर रिवाइज कर लेना, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लगाना। लास्ट फेजेस ऑफ 3 डेज रिवीजन, मेरा बात तुम्हें ना बहुत ध्यान सुनना पड़ेगा। जब तुम लास्ट के है ना 2-3 दिन बचा होगा ना एग्जाम से पहले, सच बता रहा हूं तुम लोग इतने पैनिक में होगे, तुम्हें ये लग रहा होगा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतने साल से मैंने बस पूरा टाइम वेस्ट किया और मुझे कुछ भी याद नहीं है। यहां तक अगर तुम वीडियो में टिक चुके हो ना, मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें 90% जानता होगा ना, तुम पहले से पीछे छोड़ चुके हो। 3 दिन पहले एग्जाम से तुम्हें कोई भी टेस्ट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है। क्यों बताना पता है, मैं बहुत बड़ा गलती किया हुआ तुम्हें एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले मैं टेस्ट दिया होता, उसमें मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, जिससे मेरा क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गंदा गिर चुका था, बहुत गंदा गिर चुका था। और इस 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें लिटरली बोल रहा हूं, तुम्हें ना इस 3 दिन के अंदर तुम्हें कम से कम 2-3 बार फुल सिलेबस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में खत्म करना है। कैसे खत्म होगा मुझे पता नहीं यार, 2 बार कम से कम तुम्हें पूरा सिलेबस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तुम्हें रिवाइज करना है। एग्जाम में तुम्हें ऐसा कभी भी फील नहीं होना चाहिए यार मुझे ये फॉर्मुला याद नहीं है, मुझे ये याद नहीं है, वो कॉन्सेप्ट याद नहीं, काश मैं पढ़ लिया होता। तुम्हें ऐसा कभी भी फील नहीं होना चाहिए यार, तुम्हें यही चीज करना है। मैं लिटरली ये किया हूं और बाकी जो भी एनआईटीज में पढ़ रहे हैं वो सब भी ऑलमोस्ट यही चीज करके आए हुए हैं। इस टाइम पर ना तुम्हारे पास जितना था मैंने हर एक चीज है ना तुम पढ़ाई में लगा दो, तुमने जितना भी पढ़ाई 2-3 साल के अंदर जितना भी तुमने पढ़ा हुआ है हर एक चीज ना समेटने की कोशिश करो। मैं सच बता रहा हूं, मैं जो जिस बच्चे की बात किया था ना उसने 2-3 साल लगातार पढ़ाई किया हुआ है, दिन भर बैठे क्लासेस करता था, नोट्स बनाता, डीपी बनाता, लेकिन आखिरी के टाइम पर वो इतने सारी चीज को इकट्ठा कर ही नहीं पाया और एग्जाम के अंदर जाकर वो चीज को ना एग्जाम में ना अच्छे से लिख नहीं पाया, जिसके कारण उसका 70% आया हुआ था। लिटरली मैं खुद उसका परसेंटेज लेके शॉक हो गया था। तो ये चीज यार तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा लगता है यार जब ऐसा कभी होता है, तुम 3 साल लगातार पढ़ रहे हो, लगातार दिन में बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता है ना तो ना वो बच्चा पूरा अंदर से टूट जाता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, जाकर पढ़ाई करो, आई होप तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए यार। खत्म करते हैं यहां पर वीडियो को, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। फिर बाय यार, जाकर पढ़ाई करो, बाय।